गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं स्टफ्ड की रेसिपी बनाने जा रही हूँ, स्टफ्ड परवर और भिंडी की रेसिपी बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने ऑयल में पंचफोरन डाल दिया है और पंचफोरन के बाद हींग भी थोड़ा सा ऐड किया है। उसके बाद मैंने प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को बारीक चॉप कर लिया है मैनुअल चॉपर में। और पंचफोरन का मसाला तो आप लोग जानते होंगे, जिसमें सौंफ, जीरा, अजवाइन, मेथी और कलौंजी रहता है। तो इस स्टफिंग में ना इसका जो फ्लेवर है बहुत अच्छा आता है, तो वो हम इसमें ऐड करेंगे। और बाकी जो प्याज वाला है, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का, उसको डाल देंगे। और टमाटर को भी मैंने चॉप कर लिया है, तो इसे हमें ट्रांसपेरेंट होने तक फ्राई करना है, बहुत रेड नहीं करना है। तो फ्राई करने के बाद आपको पता चल जाएगा, जब ये इकट्ठा सा हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट सा, उसके बाद हम इसमें सारे रूटीन के मसाले ऐड कर लेंगे जो भी हम डालते हैं। रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर और थोड़ा सा आमचूर पाउडर, तो ये सब स्टफिंग में डाल लेंगे। और फिर इसको अच्छी तरह से हमें फ्राई देना है। और ये जो स्टफिंग है ना, आप किसी भी स्टफिंग वाली चीज़ों में ऐड कर सकते हो, करेले में भी ऐड कर सकते हो, बैंगन में भी ऐड कर सकते हो। और इस वीडियो को स्किप मत करना, मैंने इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड किया है, जिससे जो मसाला है ना बहुत टेस्टी लगता है। और ये मसाला तो मुझे चटनी की तरह ना, ऐसे भी रोटी से मैं खा लूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ये जो मसाला होता है एक चटनी की तरह लगता है। तो बस थोड़ा देखिए, सबको मैंने मिला लिया, मसाले फ्राई भी कर दिए हैं। उसके बाद मैं इसमें जो बारीक चॉप टमाटर थे उन्हें ऐड कर दूंगी मैं। और टमाटर में थोड़ा सा नमक डालने से अच्छे से ये हमारा जो टमाटर मैश हो जाएगा। तो इन सबको मैं अच्छे से डाल दूंगी और थोड़ा सा चला के हमें इसे अच्छा सा एक मसाला रेडी करना है, जिसे हमें अपने परवर में और भिंडी में स्टफ्ड करना है। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर भी लग रहा है ना। तो बस इसे हम एक दो मिनट के लिए करेंगे और हमारा जो मसाला है वो रेडी हो जाएगा। और प्लीज़, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को, और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हो अगर आपको मेरी रेसिपीज़, मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हो तो। तो देखिए मैं इसमें नमक भी ऐड कर दे रही हूँ ताकि अच्छी तरह से गल जाए और अच्छा सा एक मसाला रेडी हो जाए हमारा। तो इसे मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी, ठीक है। तो चलिए फिर हम इसे फ्राई कर लेते हैं अच्छी तरह से। और ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट है ना, इसको हमें स्टार्टिंग में ऐड नहीं करना है। इसे हमें जब हमारा मसाला टमाटर वगैरह भुन जाए ना, तब हमें इस पेस्ट को ऐड करना है, ताकि एक अच्छी सी अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है उसकी खुशबू आए मसाले में। तो आप ऐसा करके देखना। उसके बाद मेरा सीक्रेट इन्ग्रीडियंट जो है वो है टमाटो कैचअप। आप इसमें हाफ स्पून, जैसी आपकी क्वान्टिटी हो, हाफ स्पून या एक स्पून आप इसमें ऐड करिए। मेरा ख़त्म हो गया है तो मैं इसे बस ख़त्म ही कर रही थी, बाकी दूसरा बॉटल मैंने सोचा क्या खोलूं, पहले मैं इसी को फिनिश कर लेती हूं। तो हम हाउसवाइफ्स कुछ भी वेस्ट नहीं जाने देते, सोचते हैं बस सबसे काम चल जाए। तो ये देखिए, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया टमाटो कैचअप। आप ज़रूर डालना, बहुत अच्छा इसका टेस्ट देता है इस स्टफिंग में। बहुत थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। ये देखो कितना अच्छा चटनी की तरह लग रहा है। आप इसे पराठे से भी खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है। मेरे पास धनिया नहीं था, अदरवाइज़ मैं धनिया भी डालती, उससे भी बहुत अच्छी खुशबू भी आने लगती है। तो ये देखिए मसाला हमारा रेडी हो गया है, और हमें इसे थोड़ा सा ठंडा होने देना है, तभी हम उसमें स्टफिंग कर पाएंगे, है ना। तो मसाले को मैं थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी, तब तक मैं परवर और भिंडी को भी मतलब धो के उसको भी कट लगा लूंगी, है ना। तो चलिए फिर इसको देख लेते हैं। ये परवर है मेरे, तो इनको मैं कट करके अच्छे से बारीक नहीं इसे कट कर लूँगी, भिंडी और परवर दोनों को। तो पहले तो प्लानिंग था खाली परवर बनाने का, फिर मैंने सोचा चलो जब स्टफिंग है तो भिंडी का भी बना लेते हैं, क्योंकि ये स्टफिंग तो मल्टीपर्पज़ है, आप किसी में भी इसको स्टफ़ कर सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है। तो इसको हम अच्छे से कर लेंगे कट, और फिर हम मसालों को भरेंगे। पहले कट कर लेते हैं इस तरीके से। और किस किस को स्टफ्ड वाली परवर और भिंडी पसंद है मुझे बताना। मुझे तो ये ना बहुत अच्छा लगता है, इवन रोटी से भी और चावल दाल से भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज का हमारे लंच में यही था, अभी बताऊंगी मैं आपको और क्या बनाया था मैंने।
थोड़ी सी मेहनत लगती है स्टफिंग वाली चीज़ों को बनाने में, बट खाने में ना भरवा जो भी रहता है, भिंडी, करेला या शिमला मिर्च या परवल, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, टेस्टी लगता है खाने में, कुछ डिफरेंट हो जाता है फ्लेवर। मसाला भी डाल दिया, थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल दूंगी और गरम होते ही फिर सारी जो स्टफिंग है, मतलब स्टफ जो मेरे परवल और भिंडी है उनको ऐड कर दूंगी। तो इसके लिए अलग से बर्तन हमको ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस मैं इसमें सब डाल दूंगी, थोड़ा सा ऑयल डाल देना क्योंकि ऑयल थोड़ा कम है ना, तो थोड़ा ऑयल डाल देंगे ताकि हमारी जो भिंडी परवल अच्छे से फ्राई हो जाए। और इसे चला दूंगी मैं। और भिंडी मुझे ना थोड़ा लंबा लंबा लग रहा था, तो मैंने सोचा पैन छोटा पड़ जाएगा, तो इसलिए मैंने क्या किया ना, सारी भिंडियों को हाफ हाफ कर दिया, क्योंकि ज़्यादा हो जाता फिर आता नहीं ठीक से, और मेरा मन नहीं कर रहा था दूसरा बर्तन फिर निकालने का। तो मैंने क्या किया, इसी में कट करके डाल दिया। भिंडी परवल सब आ गए आराम से, एक बराबर सब एक बराबर इसमें आ गया था। और सब परवल को भी मैं इसी में डाल दूंगी और सब एक साथ फिर हमारे डन हो जाएगा। क्या चाहिए बेटा? ओके दे रही हूँ। तो बस सब परवल को मैंने डाल दिया है, और डाल के फिर हमको इसको ढक देना है, और 6-7 मिनट आराम से लग जाते हैं इसको प्रॉपर कलर आने में और पकने में। और फिर मैंने बीच बीच में ढक के कई बार इसे चलाया था, मैंने कई बार चला दिया था इसे, वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए मैंने बार पूरी क्लिप नहीं ली। और उसके बाद आप देख सकते हो मैंने इसे चला दिया था, ढक ढक के इसे हमें चलाना है। ये देखो कितना अच्छा कलर लग रहा है ना हमारी सब्जी का, वाओ ये देखिए एकदम मसाले में कोट, और बहुत ज़्यादा हैवी मसाला नहीं है इसमें, अदरक लहसुन और उसका प्याज का बहुत अच्छा सा खुशबू आ रहा है इसमें। और ये देखो हमारा जो है ना सारा रेडी हो गया है। अब आप इसे रोटी से, चावल से, पराठे से, किसी के साथ भी इंजॉय करो, बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्टी लगता है ये स्टफ्ड परवल। और उसके बाद ये मेरा लंच है, देखो सिंपल राइस, रोटी, दाल, आलू का चोखा लगाया था मैंने, आलू टमाटर का देसी चोखा, और ये हमारा स्टफ्ड और सैलेड है। तो ये आज का हमारा देसी खाना जो बहुत अमेजिंग था, बहुत टेस्टी था। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा ये खाना। तो ये खाना वाना खा के फिर हम सो गए थे, और सोने के बाद फिर शाम को हमने चाय, शाम का मैंने कुछ क्लिप नहीं ऐड किया। और उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करना था मुझे ये मेहंदी का पैक, हीना पैक जो मैं लगाती हूँ, तो मैंने सोचा चलो आप लोग के साथ भी शेयर कर दूँ, क्योंकि मोस्टली बहुत सारे लोग हीना लगाते हैं और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हीना कब लगाना, कैसे लगाना है, हीना के बाद क्या करना है। तो वो सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। तो ये नूपुर का हीना है, मैं ये वाला हीना यूज़ करती हूँ, और अगर ये ना रहे मेरे पास तो मैं प्रेम दुल्हन एक हीना आता है वो यूज़ करती हूँ, ये दोनों मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसमें सारे जो भी हैं पीछे सब दिया हुआ है, तो ये नूपुर वाला हीना मैं यूज़ करूँगी, और रात को मैं इसे भिगा देती हूँ मोस्टली, और सुबह मॉर्निंग में लगाती हूँ मैं इसे। और उसके साथ हमें भिगाना है ये मेथी के सीड्स। तो मेथी के सीड्स तो आप लोग जानते ही हो हमारे हेयर्स के लिए, हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो इसे मैं 2 चम्मच भिगा देती हूँ, भिगा के मैं इसी के साथ इसको यूज़ भी करूँगी, पानी को भी यूज़ कर लूँगी। और अगर आपके पास ये मेथी का आपको नहीं भिगाना है ना, तो आप चाहो तो मेथी का पाउडर भी यूज़ कर सकते हो इस हीना पैक में, बट मैं मोस्टली यही यूज़ करती हूँ, मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है। और साथ में हमको चाहिए कॉफ़ी, किसी भी ब्रांड का कॉफ़ी ले लीजिए, कॉफ़ी भी हमारे हेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और बालों को कंडीशनिंग भी देता है, और बालों को सबसे इम्पॉर्टेंटली बालों को कलर भी देता है, ये बाल हमारे बहुत अच्छे कलर होते हैं। बट अगर आप नेस्कैफ़े नहीं यूज़ करना चाहते हो, आपके पास नेस्कैफ़े नहीं अवेलेबल है उस समय, तो आप चाहो तो चाय पत्ती का जो पानी होता है ना वो भी यूज़ कर सकते हो, बट इसके लिए आपको चाय पत्ती वाला पानी बॉईल करके
थोड़ा सा उसको रूम टेम्परेचर पे ला के फिर आपको इस पैक में यूज़ करना है। तो चलिए अब हम मेथी को क्या करते हैं, मैंने जो मेथी लिया था उसे पानी के साथ ही डाल दूंगी इसमें, क्योंकि ये साफ़ पानी है, धुल दिया था मैंने, और 2 चम्मच मेथी था ये। और उसके बाद मैं इसमें 2 ही चम्मच कॉफ़ी का पाउडर डाल दूंगी और दोनों को मैं अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी और एक स्मूथ सा पेस्ट बना लूँगी जिससे वो हमारी हिना में प्रॉपर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो चलिए इसे पीस लेते हैं हम, और इसकी क्वांटिटी आपके बालों के ऊपर है, आप कितना यूज़ कर रहे हो उस हिसाब से। मेरा ना मेरा मीडियम हेयर है और हाफ पैकेट हीना लगेगा इसमें, उस हिसाब से मैंने 2 चम्मच मेथी ले लिया है और 2 चम्मच कॉफ़ी ले लिया है। और ये देखिए कितना अच्छा स्मूथ सा हमारा पेस्ट रेडी हो गया है ना, बहुत अच्छा पेस्ट रेडी हो जाता है और बालों के लिए तो एकदम वरदान है ये। आप इसे यूज़ ज़रूर करना, बहुत ही अच्छा होता है ये हीना का जो पैक होता है। मैं इसे महीने में 2 बार लगा लेती हूँ, कम से कम 2 बार तो लगाना ही है, क्योंकि आज मैं ना हेयर कलर बिल्कुल यूज़ नहीं करती, मुझे हेयर कलर अभी यूज़ करने का मन नहीं करता है, तो इसलिए मैं यही यूज़ करती हूँ। और देखो मेरे पास लोहे की कढ़ाई थी तो मैं लोहे की कढ़ाई में भिगा रही हूँ, आपके पास भी हो तो आप अगर अच्छा कलर के लिए आपको चाहिए ना तो आप लोहे की कढ़ाई को प्रिफर करिए, अगर कलर के लिए नहीं चाहिए कंडीशनिंग के लिए चाहिए तो आप किसी में भी इसको भिगा सकते हो आप, ठीक है। तो मैं लोहे की कढ़ाई में डाल रही हूँ क्योंकि मुझे कलर भी चाहिए साथ में, इसीलिए तो मैं इसमें भिगा रही हूँ। और वो पेस्ट डाल दिया, फिर मैंने वो जो मिक्सर था उसको रिंस करके डाल दिया और अच्छी तरह से हमें इसे मिक्स कर लेना है, और बहुत ज़्यादा पतला पेस्ट नहीं बनाना है क्योंकि मॉर्निंग में भी हमें इसमें 2 चीज़ें ऐड करनी रहती है तो वो थोड़ा सा पतला हो ही जाएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा पतला रात में ना कर नहीं करना है हमको। तो चलिए मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ और फिर बताती हूँ आपको। तो ये देखो मैंने इतना रखा है क्योंकि थोड़ा सा और डाल देती हूँ पानी में, हल्का सा और डाल देती हूँ, उसके बाद मैं इसको ढक के रख दूँगी। और मॉर्निंग में ना हमें इसमें 1-2 चीज़ें और मिलानी है, उसके बाद फिर हम इसे लगा लेंगे। और कभी भी ना हीना जब आप लगा रहे हो ना तो हीना लगाने के बाद आप ना जब शैम्पू नहीं करना है क्योंकि हीना फिर निकल जाता है और हमारे बालों के लिए भी अच्छा नहीं होता है, कलर भी अच्छा नहीं आता, इसलिए जब भी आप हीना लगाएं ना, कोई भी हीना लगाएं, आप उसके बाद नॉर्मल पानी से ही आप हेयर वॉश करें और उसके बाद आपको ऑयलिंग तो बहुत मस्ट करना है, आपको प्रॉपर ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी है हीना के बाद अपने बालों में, अदरवाइज़ आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाएंगे और जो अच्छा आप सोच रहे हैं ना वो और ख़राब हो जाएंगे आपके बाल। तो ये देखिए मेरा ये हिना अच्छी तरह से हो गया है। अब मॉर्निंग में मेरे को इसमें मिलाना है आंवले का पाउडर, आंवला पाउडर और थोड़ा सा दही। आंवला पाउडर भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है और दही भी हमारे बालों के लिए कंडीशनिंग का काम करता है, डैंड्रफ को रिमूव करता है, तो इसीलिए हमें इसमें मिलाना है आंवला पाउडर और दही, और उसके बाद हम इसे मिक्स करके अपने बालों में लगा लेंगे। और अगर आप दही, अगर आप अंडा यूज़ करना चाहते हो तो आप दही की जगह अंडा भी यूज़ कर सकते हो, मैं अंडा नहीं खाती हूँ इसलिए मैं अंडा नहीं यूज़ करती, अगर आप चाहो तो अंडा यूज़ कर लो दही की बजाय और फिर आंवला पाउडर और फिर से लगा लीजिए। तो बस मैं लगा वगा के फिर ये सुबह का समय है, लगा लिया था मेरे बाल आप देखिए, फिर मैं रात में ना इसको हीना लगा मतलब ऑयलिंग कर लूँगी, देन मैं शैम्पू करूँगी। तो ये फिर दूसरे दिन का क्लिप है, फिर हम मैं आपको वही बता रही थी कि अब मैं मार्केट जा रही हूँ, हीना मैंने लगा लिया है और TV चल रहा था, आवाज़ आ रही थी इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा, अदरवाइज़ मैं आपको अपनी ओरिजिनल आवाज़ में ही बोलती। तो इसके बाद फिर मैं बाल में लगा ली, देखो मेरे बाल हल्के से रेडिश दिख रहे हैं ना, फिर आज मैं ऑयलिंग करके दूसरे दिन शैम्पू कर लूँगी, फिर मेरे बाल एकदम मुलायम और अच्छे हो जाएंगे। तो बस अब हम जा रहे हैं मार्केट और आप लोग अपना अपनी फैमिली का ध्यान रखना, कल फिर मिलेंगे हम नए ब्लॉग के साथ, और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, कल फिर मिलेंगे हम नए ब्लॉग के साथ। ओके बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, बाय बाय।